Assalamualaikum मेरे प्यारे फ्रेंड्स. सो आज के वीडियो में हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन कांती घर पे. चिकन कांती बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रंची डिश होती है. बहुत ही ऑथेंटिक डिश है कश्मीर की और लोग इसको यूजुअली खाने के लिए रेस्टोरेंट्स में जाते हैं. तो आज हम इसको घर पे बनाएंगे. तो इसको बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, हमें चाहिए सबसे पहले हमें चाहिए बोनलेस चिकन. मैंने 250 ग्राम लिया है, आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हैं. इसको हमें ऐसे छोटे क्यूब्स में हमें इसको कट करना है. इसके बाद मैंने लिए हैं 4 to 5 मैंने लिया है चॉप्ड ग्रीन चिलीज. मैंने लिया है 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और 2 टेबल स्पून मैंने सॉल्ट लिया है. इसके बाद मैंने लिया है 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर. मैंने 1 लेमन जूस को काटा है या 3 टेबल स्पून लेमन जूस, 1 टेबल स्पून का 2 टेबल स्पून फेनल सीड पाउडर और 1 टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर. इसके बाद मैंने लिया है 3 चॉप मैंने टोमेटोज को चॉप किया है और अनियंस को स्लाइस. उसके बाद मैंने कोरिएंडर को भी चॉप किया है. तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम हमारे जो चिकन है उसको हम मैरिनेट करेंगे. इसको मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले हम इसमें कर्ड डालेंगे. अगर आप, क्योंकि हमें इस मैरिनेशन में ही हमें बाद में वेजिटेबल्स को भी पकाना है, तो आप ज़्यादा कर्ड लें. इसके बाद हम इसमें सॉल्ट डालेंगे और जो हमारे बाकी के स्पाइसेस हैं वो सारे हम इसमें ऐड करेंगे. अगर आप जो वेजिटेबल्स हैं उनमें बाद में आप अलग से मसाला डालना चाहते हैं, वैसे नहीं डाला जाता, उसको भी इसी मैरिनेशन में पकाया जाता है, तो यूजुअली कर्ड को आप थोड़ा ज़्यादा लें ताकि हम उन वेजिटेबल्स को भी बाद में इसी मैरिनेशन में पकाए. तो सारे मसाले जब आप इसमें ऐड करोगे, सारे मसाले ऐड करने के बाद आपको इसको अच्छे से मिक्स करना है. मिक्स अब लेमन जूस भी हम इसमें ऐड करेंगे और सारी चीज़ें हम इसमें ऐड करके इसके बाद जो कोरिएंडर भी है वो भी हम इसमें ऐड करेंगे. ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको अच्छे से मैरिनेट करेंगे. आप इसको अच्छे से मिक्स कीजिए ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे से जो है चिकन के अंदर चले जाए, बहुत चिकन अच्छे से मैरिनेट हो जाए. और मैरिनेशन के बाद आपको इसको 2 से 3 घंटे के लिए रख देना है ताकि अच्छे से मैरिनेट हो जाए. आप चाहे तो इसको फ्रिज में रख सकते हैं या चाहे तो आप इसको बाहर कहीं ढक कर आप इसको रख दीजिए. अब हमारा जो चिकन है वो मैरिनेट हो चुका है 2 से 3 घंटे के बाद. हमने इसको मैरिनेशन के लिए छोड़ दिया था. अब हमारा जो चिकन है वो मैरिनेट हो चुका है. अब हम इस चिकन को जो है फ्राई करेंगे. चिकन जो होता है वो ज़्यादा हार्ड नहीं होता एज़ कम्पेयर टू मीट, सॉफ्ट ही होता है. तो हमें बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना है इसको, हमें अच्छे से फ्राई करना है जब तक कि इसका जो कलर है वो गोल्डन येलो ना हो जाए और थोड़ा सा क्रिस्पी नहीं दिखे, ये तब तक हमें इसको फ्राई करना है. तो आप सारे चिकन डाल दें और इसको अच्छे से फ्राई करें. याद रहे कि इसमें इसके ऊपर जो मैरिनेशन है वो उसके ऊपर कोट होके ही रहे, तभी ये अच्छे से हो सकता है. अब ये हमने मैरिनेशन छोड़ दिए, बाद में इसमें हम जो हमारी वेजिटेबल्स हैं उनको पकाएंगे. तो हम चिकन को अच्छे से फ्राई करेंगे. अच्छे से नहीं, बहुत ज़्यादा भी हमें इसको फ्राई नहीं करना, बस इतना कि जब तक कि इसका ब्राउनिश येलो या गोल्डन येलो इसका जो कलर है तब तक ना हो जाए. तो हमें आप इसको अच्छे से हिलाए, अच्छे से पकाए 2 से 3 मिनट या मैक्स आप इसको 5 मिनट के लिए पकाए. जब तक ये गोल्डन येलो नहीं हो जाता तब तक आपको इसको पका देना है. अब हमारा जो चिकन है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, गोल्डन येलो का हो चुका है. अब हम इसको बाहर निकालेंगे. जब हम मीट कांती बनाते हैं तो उसमें हम जो है मीट को रख दें, उसके बाद हम वेजिटेबल्स डालते हैं, क्योंकि मीट जो होता है हार्ड होता है तो उसको सॉफ्ट करने के लिए हमें इसको बहुत ज़्यादा पकाना होता है. बट चिकन जो होता है ऑलरेडी सॉफ्ट ही होता है तो हमें इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना होता. हमें बाद में इसको वेजिटेबल्स के साथ भी हम इसको 1 से 2 मिनट पकाते हैं, तो इसलिए हम इसको निकाल देंगे. बाद में हम इसको वेजिटेबल्स के साथ पकाएंगे. अब हम इसमें अनियंस और हमारे जो टोमेटोज हैं वो डाल देंगे. अगर आपके पास और भी कोई एक्स्ट्रा वेजिटेबल्स हैं, यूजुअली इसमें यही 2 ही डाले जाते हैं, तो ये डाल दें. और उसके बाद जो हमारी मैरिनेशन है वो डाल दें. बाद में जब हम इसमें मैरिनेशन डालते हैं तो हमें इसमें कोई एक्स्ट्रा स्पाइसेस डालने की ज़रूरत नहीं होती. ये जो चिकन और टोमेटो है ये इसी में पक जाते हैं. और रेस्टोरेंट में भी ऐसे ही बनाया जाता है, जो लेफ्ट ओवर मैरिनेशन होता है उसी से इन वेजिटेबल्स को बनाया जाता है. तो अब हम इसी मैरिनेशन में अब हम इन वेजिटेबल्स को पकाएंगे. याद रहे कि हमें वेजिटेबल्स को भी बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है. जब हम इसमें मैरिनेशन डालेंगे तो इसमें एक वाटर सा रिलीज़ होता है, ये वाटर जब तक एब्जॉर्ब हो जाए तब तक हमें इसको पकाना है. क्योंकि जब अपने जो रेस्टोरेंट्स की जो चिकन कांती होती हैं उसमें जो अनियंस होते हैं उनमें एक क्रंचीनेस होता है, पूरे वो फ्राई नहीं हुए होते, पूरे वो कुक नहीं हुए होते, वो शैलो फ्राई हुए होते हैं. उनमें जब हम उनको खाते हैं तो वो क्रंची ही होता है, मतलब हाफ कुक्ड होता है या
50% कुक्ड होते हैं, तो हमें भी तब तक ही पकाना है। अब हमारे भी जो वेजिटेबल्स हैं वो 50% डन हो चुके हैं, कुक हो चुके हैं। अब हमें इसमें जो है चिकन को, जो हमने ऑलरेडी चिकन बनाया था, अब हम ये चिकन इसमें डाल देंगे। चिकन डालने के बाद हमें फिर से इसको 1 से 2 मिनट के लिए पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बस थोड़ा सा जो हमारी जो हीट है इस टाइम पर हम मीडियम रखेंगे और हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए पका देंगे। अब हमने हमारी जो चिकन कांति उसको बना दिया है, अब हम इसको कोरिएंडर से ऊपर से गार्निश कर देंगे और जो हमारी चिकन कांति है वो रेडी हो चुकी हैं। तो आप भी इसको घर पे बनाइए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको रेसिपी कैसी लगी हो। प्लीज़ लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।